वेलकम टू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम यशवंत यादव है। आज जो है एज बेस्ड क्वेश्चन आपको पार्ट टू आज है, इसलिए आप लोग को जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बताया जाता है, इस सब क्वेश्चन जितना भी पूछा गया क्वेश्चन NTPC और ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन को, और एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, इसीलिए आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। देखिए क्वेश्चन में कहता है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 90 वर्ष है। 10 वर्ष के पहले आयु का अनुपात 5:2 था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो क्या कहता पिता और पुत्र? देखिए देखिए क्वेश्चन में कहता है, पिता पुत्र कितना अनुपात है इसका दिया हुआ? इसका पिता और पुत्र का योग है, पिता और पुत्र का योग कितना है? 90 वर्ष है। 90 वर्ष है। तो कहता है 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। अब इसका अनुपात हो गया 5:2 हो गया, 5:2 हो गया। अब देखिए 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कहा है, तो पिता के भी 10 वर्ष पहले और पुत्र के भी 10 वर्ष पहले। अब कीजिए क्या, 10-10 घटा लीजिए। पहले का मतलब होता है घटना और बाद का मतलब होता है प्लस होना, इसलिए पहले बोला है तो 10 वर्ष इसमें भी घट जाएगा और 10 वर्ष इसमें भी घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ देखिए 20 घटाइए, 20 घटाने पर आपको बचेगा 70, 20 घटाने पर 70। तब कीजिए अनुपात में जो दिया हुआ है, अनुपात में जो दिया उसको बराबर में 70 आप लिख लीजिए, 70 लिख लीजिए। तब देखिए योग बोला है तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो 7 = 70 वर्ष, 7 = 70 वर्ष, तो 1 = 70 में 7 से भाग दीजिए कटेगा, 7 को 1 से 1, तो 1 = 10 आया, 1 = 10 आया, तो 10 आया। इसको आप कीजिए इस दोनों, इससे भी गुणा कीजिए, इससे भी कीजिए, 10 को 50 से करिए 50 वर्ष, उसके बाद 10 को 2 से गुणा कीजिए 20। अब देखिए ये जो है पहले की है, कितना कहता है, ये कहता है पिता की वर्तमान आयु, ये क्या है वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु नहीं है, ये है 10 साल पहले की, तो अभी वर्तमान लेना है, तो वर्तमान लेने के लिए हमको 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 10 यहाँ जोड़िए, 10 दोनों में जोड़िए, तो होगा ये 60 वर्ष और ये होगा 30 वर्ष। तो देखिए इसमें होगा पिता की उम्र हो जाएगा 60 वर्ष और पुत्र की उम्र होगा 30 वर्ष हो जाएगा, समझ गए? तो इसमें क्या किसके पूछा है, तो पूछा है पिता की वर्तमान, पिता की वर्तमान कितना है 60 है, 60 वर्ष, अगर पुत्र को पूछता 30 हो जाता। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। सुनीता और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए सुनीता और शीला, तो देखिए सुनीता शीला, इसका अंतर कितना है 12 वर्ष। तो कहता है 9 वर्ष पहले की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी है, तो ये देखिए बड़ी और छोटी इसकी आयु से 4 गुनी है। क्या कहता है 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी है, इससे 4 गुना है, इससे 4 गुना है। इसमें देखिए सुनीता हुई बड़ी और शीला हुई छोटी, इससे 4 गुना है। इसका अंतर कितना दिया हुआ, अंतर इसका दिया हुआ है, इसका अंतर है 12 वर्ष, अंतर है 12 वर्ष, तो इसका अंतर कीजिए कितना है, 4 में 1 जाएगा 3, तो 3, अंतर कितना दिया हुआ है 12 वर्ष, अंतर है 12 वर्ष, अंतर कितना है 12 वर्ष। तब देखिए 1 = 12 में 3 से भाग दीजिए, 3×4 = 12, तो 1 = 4 वर्ष हो जाएगा, 1 = 4 वर्ष। उसके बाद 4 को 4 से गुना कीजिए बड़ी से, 4 को 6 से गुना कीजिए 1 से, तो 4 को 4 से 16 हो जाएगा अनुपात, 4 को 1 से 4। अब देखिए क्या कहता है 9 वर्ष पहले, यहाँ क्या कहता है उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान 4 9 वर्ष पहले की है, 9 वर्ष पहले की एज है,
अभी हमको वर्तमान निकालना है, तो 9 वर्ष पहले तो 9 वर्ष बाद हम जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो 9 जोड़िए इसमें तो हो जाएगा 25 वर्ष, ये हो जाएगा 13 वर्ष। तो बड़ी बहन के निकल गई 25 वर्ष और छोटी का निकल गई 13 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन में, स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 अधिक है तो स्वाति की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए स्वाति और अपर्णा का गुणनफल, स्वाति तो स्वाति और अपर्णा का गुणनफल, अपर्णा ए से गुणनफल कितना है 120 है, 120 है। तो क्या कहते हैं अपर्णा की आयु, अपर्णा की आयु, अपर्णा की आयु 3 गुनी है स्वाति की आयु, तो स्वाति की आयु से 3 गुनी है, तो 3 गुनी अपर्णा है किससे, स्वाति से। और उसके बाद कहता 2 अधिक है, तो स्वाति 2 अधिक है। उसके बाद देखिए यहाँ जो है ऑप्शन में, देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 18, बीम दिया हुआ है 20, सिम दिया हुआ है 24, और डीम दिया हुआ है 16। तो करना है क्या, इसमें ऑप्शन थ्रू आपको टिक मारना है। जैसे देखिए क्या कहा है, अपर्णा की आयु 3 गुना है स्वाति की आयु से 2 अधिक है। अपर्णा कितना है, अपर्णा 3 गुना है, स्वाति है 2 अधिक। अब देखिए इसमें करना है क्या, आप ए निकालिएगा, ए आप निकाल लीजिए अपर्णा का, तो एस बटा 2 प्लस 2 बटा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए ए निकल गया, ए निकालने में यहाँ बैठा दीजिएगा, ए यहाँ आप बैठा दीजिएगा, एस जो है स्वाति जो है, उसके बाद देखिए अपर्णा का, अपर्णा इतना निकला तो अपर्णा जगह बैठा दीजिएगा स्वाति प्लस 2 बटा 3, और इसका बराबर कितना 120 है, 120 है। अब देखिए हमको किसका निकालना है, तो स्वाति की आयु निकालना है, स्वाति की निकालना है, इसलिए हम स्वाति को यहाँ नहीं निकालने हैं, जिसका जिसका पूछा है उसको हमको निकालना है, इसलिए हमको किसको नहीं निकालना है, जिसको नहीं निकालना है उसको हम बराबर निकाल लिए यहाँ तक, ये हमको नहीं पूछा है, ये नहीं निकाल, यहाँ एक मान हम निकाल लिए यहाँ तक, एक निकाल गए निकाल लिए, उसके बाद हम स्वाति को निकाल लेंगे, जिसका पूछा है उसका हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसका, इसमें करना क्या आपको, इसका कितना मान है, इसका मान बैठा कर देखिए, पहले एक देखिए मान बैठा कर 18 स्वाति का 18, और उसके बाद 18 प्लस 2 बटा 3 बराबर 120, 18 दो 20 बटा 3 बराबर 120, 18 गुना 20 बटा 3 छतिया 18 बराबर 120। तो देखिए 120 आ गया, ये भी 120 आ गया, इसका मतलब सही है, इसका आंसर जो होगा एक होगा, सेम अगर चलाए वही आंसर हो जाएगा, नहीं आएगा उसको आप नहीं लीजिएगा, इसलिए आपको ऑप्शन थ्रू इस क्वेश्चन को देखना है। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो जिसका पूछा उसको हम यहाँ नहीं निकालना है, यहाँ हमको नहीं निकालना है, जिसका नहीं पूछे उसका, आप जैसे हमको किसका पूछा है स्वाति का, स्वाति का हम छोड़ देंगे, स्वाति का नहीं निकालेंगे, हमको अपर्णा का निकालना है, अपर्णा का निकालेंगे और बैठा देंगे, इस पर बैठा देंगे आंसर निकल के चला आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो आज अभी बताएंगे, इस टाइप क्वेश्चन आपको बता चुके हैं पहले, उसमें इसमें थोड़ा अंतर है, इसमें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। दो भाइयों को वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पूर्व का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए दो भाई है, अब देखिए तो दो है, तो दो जब है तब उसका अनुपात कितना है, 1:2 है, 1:2 है, तो 1:2 है, तो क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना है, 1:3 है, पूर्व 5 वर्ष पूर्व का, पूर्व कितना है 1:3 है। अब देखिए इसका अंतर समान है, नहीं है समान, एक में से एक जगह 0, 3 में से 2 जगह 1, इसका अंतर समान नहीं। अंतर समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अंतर समान करने के लिए इसका 3 में से एक घटेगा कितना बचा 2, इस पर गुना कर दीजिए, इसमें 2 में से एक घटेगा कितना 1 बचेगा, इससे गुना इसमें कर दीजिए। अब देखिए 2 को 1 से गुना करिएगा 2, अनुपात 2 को 2 से करिएगा 4, 1 को 1 से करिएगा 1, और उसके बाद 1 को 3 से करिएगा 3। अब देखिए इसका अंतर समान आएगा, 2 में से एक जगह 1
चार में से तीन जाएगा एक। अब देखिए इसमें आपको ध्यान, उसमें जो होता था पाँच वर्ष पूर्व और पाँच वर्ष बाद होता, दोनों जोड़ देते थे, लेकिन इसमें जोड़ना हमको नहीं है, क्योंकि इसमें जो है लास्ट में हमको पूछ कह रहा है पाँच वर्ष के बाद की आयु का अनुपात क्या होगा। ऐसा रहे तो हम एक को नहीं जोड़ेंगे, एक वो पाँच वर्ष को नहीं जोड़ेंगे, और उसमें जो रहता है उसमें बीच में रहता है तब हम दोनों को जोड़ते हैं, पाँच वर्ष पहले और पाँच वर्ष बाद, और अंत में कहता है वर्तमान निकालिए, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तब हम ऐसे करते हैं दोनों को पूर्व वाला और बाद वाला दोनों को जोड़ते हैं। लेकिन इसमें डायरेक्ट बोला है कि पाँच वर्ष बाद की आयु क्या होगी, अनुपात क्या है, इसलिए इसमें करना है कि आपको एक पाँच लेना है, जो एक पाँच हमको लेना है, क्योंकि पाँच वर्ष पूर्व वाला हमको लेना है, पाँच वर्ष पूर्व वाला लेना है। अब देखिए तो एक बराबर पाँच, हम पाँच वर्ष लिखेंगे, पाँच वर्ष तो एक बराबर पाँच वर्ष, एक बराबर पाँच वर्ष, अब पाँच को दो से गुना कीजिए दस, पाँच को चार से कीजिए बीस, निकल गया हमको दस वर्ष और बीस वर्ष निकल गया। क्या बोला, पाँच वर्ष पूर्व, पूर्व के हम निकाले हैं, पाँच वर्ष पूर्व का निकालें, हमको चाहिए वर्तमान, तो क्या बोला है पाँच वर्ष के बाद की आयु क्या होगी, पाँच वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्या है, तो पाँच वर्ष हम जोड़ देंगे, पाँच वर्ष दोनों जोड़िए तो कितना होगा पंद्रह, और उसके बाद इसका कितना पच्चीस। अब इसका दोनों का अनुपात पूछा है, दोनों का अनुपात, दोनों अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे पंद्रह वर्ष अनुपात पच्चीस वर्ष। अब काटिए इसको तीन पच्चे पंद्रह पच्चे पच्चीस, तो तीन अनुपात पाँच आंसर हो जाएगा, समझ गए यहाँ तक, चलिए आगे। ये क्वेश्चन में दो व्यक्ति के आयु का अनुपात चार अनुपात सात है और उनमें से एक की आयु 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग वर्षों में बताइए। तो दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति है, उसका जो अनुपात है चार अनुपात सात है, तो चार अनुपात सात, तो कहता है उनमें से एक की आयु 30 वर्ष अधिक है, तो 30 वर्ष अधिक है, इसमें देखिए कितना अधिक है, इसमें है तीन अधिक, तीन अधिक है, कितना बराबर 30 वर्ष, 30 वर्ष, तो एक बराबर 30 बटा तीन कटेगा, 10 बार में एक एक और उसके बाद जीरो, एक बराबर 10 वर्ष, एक बराबर 10 वर्ष निकल गया। तो क्या कहता है उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग एक बराबर 10 वर्ष निकला, 10 को 4 से गुणा कीजिए 40 वर्ष, 10 को 7 से गुणा कीजिए 70 वर्ष। अब कहता क्या कहता है उनकी आयु का योग, तो योग जो कहता है इसका आयु का योग, यही आयु निकला है, आयु यही निकला है, तो आयु का योग जोड़िए, आयु का योग जोड़ लीजिए, क्योंकि आयु यही निकला है, इसका योग जोड़िए कितना होगा, आयु का योग, योग जब निकालिएगा दोनों को जोड़िए कितना होता है 110, 110 वर्ष आंसर हो जाएगा, योग पूछा है 110 वर्ष आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, ये एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है, 18 वर्ष के बाद उसकी आयु उसके पुत्र के पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए एक पिता और पुत्र, पिता पुत्र, पिता और पुत्र का आयु का एक पिता और पुत्र की आयु से 30 गुनी है, पुत्र की आयु से 30 गुनी है, तो 30 गुनी दीजिए, उसके बाद कहता 18 वर्ष के बाद उनकी आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी जब है, अब देखिए इसका अंतर सेम आता है कि नहीं, 30 में से 3 घटाएंगे 27, एक में से एक जीरो, नहीं अंतर नहीं समान है। अब समान करने के लिए, समान करने के लिए 30 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 29, 29 इसमें गुना कीजिए, 3 में से एक घटाएंगे 2 इसमें गुना कीजिए, अब देखिए 2 को 30 से गुना कीजिए 60 अनुपात, 2 को 1 से 2, 29 को 3 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 29 को 3 से गुना कीजिए, 29 को 3 क्या 27, 2 6 2 8 3 6 6 2 8 87 होता है 87, और उसके बाद 29 को 1 से गुना 29, अब देखिए इसका अंतर समान आता है, अब देखिए कटेगा 27 और उसका इसका 27, अंतर समान आया, कितना कहता है कितना वर्ष 18 वर्ष,
बाद, 18 वर्ष बाद, तो 18 वर्ष, 18 वर्ष बाद, तो 27 बराबर 18 वर्ष, तो 1 बराबर 18/27, इसको काटे छतिया 18, 9 तिया 27, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो कितना आया, इसका आ गया 2/3, 2/3 आया। तो इसमें कहता है पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए इतना आया, 1/2/3 आया, इस सबको गुणा कीजिए दोनों से। अब गुणा करना पड़ता है, इसको करिए 60 को 2/3 अनुपात 2 को 2/3। अब देखिए 20 25 60, तो 40 वर्ष अनुपात ये हो जाएगा 4 4/3। तो किसका पूछा है, पूछा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता कितना है 40 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु पूछा है, पिता की वर्तमान आयु कितना है 40 वर्ष, 40 वर्ष आंसर हो जाएगा। पिता निकला है 40 वर्ष, पुत्र कितना निकला है 4/3 वर्ष, समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 4/5 है और बी की आयु सी की आयु का 2/3 है, उनकी वर्तमान आयु का योग 99 है, ए और सी का आयु का अंतर क्या होगा। तो देखिए ए की आयु बी की आयु का 4/5 है, का मतलब होता है गुणा, तो ए की आयु, तो देखिए ए की आयु बी का, बी का वर्तमान आयु का 4/5 है, 4/5 है, तो 4/5 जब है तो कीजिए इसको क्या करना है, ये भाग में है इधर आएगा गुणा में, तो 5a = 4b, बी को 4 से गुणा कीजिएगा 4b हो जाएगा, तो a/b = 4/5, तो a अनुपात बी बराबर कितना आया 4/5 आया, ए अनुपात बी बराबर 4/5, 4/5 है। और उसके बाद कहता है बी की आयु सी की आयु का 2/3 है, क्या कहता है बी की आयु सी की आयु का, बी की आयु, तो बी का आयु सी का कितना है 2/3 है, तो 2/3 है गुणा में भाग में इधर आएगा गुणा में, 3b हो जाएगा, उसके बाद 2c हो जाएगा, तो b/c, सी है गुणा भाग में हो जाएगा, उसके बाद 2/3, तो इसका मतलब होगा बी अनुपात सी बराबर 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद देखिए आप करना है, बी यहाँ 2 है, अब बी यहाँ कितना है 5 है, बी यहाँ 5 है, अब इसको सेम करना है, बी को हमको सेम करना है, बी को सेम करने के लिए हमको यहाँ बी को हम सेम करने के लिए, बी यहाँ, यहाँ बी को हम सेम करेंगे 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ बी को गुणा करने के लिए 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। अब देखिए 2 से गुणा के टोटल दोनों गुना होगा, 5 से गुना दोनों गुना होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, ए बी सी अनुपात निकाल लेंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का कितना 2 को 4 से गुणा कीजिएगा 8, ए का निकल गया 8, बी का 2 को 5 करिएगा 10। अब देखिए 5 को 2 से करिएगा 10 होगा, बी का होगा, बी का 10, 10 तो हम ले लिए, 5 को 3 से करिएगा सी का निकल जाएगा कितना 15, सी का 15, तो ए बी सी का निकल गया, अनुपात हमको निकल गया। तो क्या पूछा है, तो उनका योग, उनकी वर्तमान आयु का योग 99 है, टोटल का योग 99 है, टोटल का योग 99 है, जोड़िए कितना 10 20 25 25 35 30 33 33 बराबर 99 है, 99 है। उसके बाद देखिए 1/99 में 33 से भाग दीजिए, 3 बार में कटेगा, 1/3 निकल के आया, 1/3 निकला। तो क्या पूछा है, ए और सी का आयु का अंतर, ए और सी का अंतर कितना है, ए और सी का अंतर पूछा है, ए और सी का अंतर, अंतर देखिए इसमें कितना है, अंतर देखिए
एक अस्सी का आप 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा बचेगा कितना, 5 दो 7, 5 3 8 बच जाएगा, 8 बचेगा 15 में और 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा 7, अंतर हुआ 7, उसका 1 बराबर 3 आया, 3 से गुना कीजिए कितना होगा, 7 21 कितना जाएगा 21 आंसर हो जाएगा, ए और सी का अंतर हो गया 21 आंसर, समझ गए। चलिए आगे देखिए, देखिए कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु से उसके विवाह के समय की आयु से एक पूर्णांक 1/4 गुना है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। देखिए कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, 6 वर्ष पूर्व हुआ, पूर्व जब हुआ कमला का, तो कमला वर्तमान उसके बाद कहता है विवाह, तो विवाह कमला विवाह का समय उसके बाद कहता है कितना गुना है, 1/4 गुना किसके है, तो वर्तमान कमला का वर्तमान किसके विवाह के समय का गुना कितना है, 1/4 विवाह कितना है, 5/4 हो जाएगा, 4 है भाग में जाएगा गुना में, तो वर्तमान होगा वर्तमान 4 गुना में 5 विवाह, उसके बाद देखिए वर्तमान बटा विवाह तो हो जाएगा 5/4, वर्तमान उसका उम्र है, वर्तमान है 5 और विवाह का है 4, तो यहाँ हो जाएगा 5:4, विवाह का समय है 4 और वर्तमान है उसका 5। अब देखिए तो कहता है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, तो इसका मतलब अंतर इसमें कितना का है, अंतर कितना का है, एक का किसके है 6 वर्ष, तो 6 वर्ष 1/6 वर्ष निकला, 6 को 5 से गुणा कीजिए 30 वर्ष, अनुपात 6 को 4 से कीजिए 6 × 12 = 24 वर्ष। अब देखिए निकल गया कमला का वर्तमान निकल गया और कमला विवाह का समय का निकल गया, विवाह का समय का है 24 वर्ष और वर्तमान है 30 वर्ष, किसका 6 वर्ष पूर्व का है, तो इसका कहता है उसकी आयु की 1/10 गुना है, पुत्र का जो है 1/10 गुना है, पुत्र जो उसको उसका कितना है 1/10 गुना, तो पुत्र का किस है उसके पुत्र की आयु उसकी 10 गुना, पुत्र की आयु की 1/10 गुना, तो पुत्र की आयु कमला कितनी है 30, 30 को 1/10 से गुना कितना हो जाएगा 3 वर्ष उसका हो जाएगा, पुत्र का हो जाएगा 3 वर्ष। उसके बाद कहता 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष के बाद पूछा है, तो 5 वर्ष के बाद हो जाएगी 5 × 3 = 8 वर्ष, 8 वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष के बाद पूछा उसकी पुत्र क्या है, ये जो है 3 वर्ष पूर्व की है, तो 3 वर्ष से पूर्व की अब क्या है, वर्तमान में उसकी उम्र है 8 वर्ष है, वर्तमान में उसकी उम्र 8 वर्ष है, इसमें जो है अंतर इसमें है 6 वर्ष का, तो 6 वर्ष का जब अंतर है तो इसका वर्तमान इसका निकल जाएगा कितना 30 वर्ष, और इसका कमला विवाह का समय है 24 वर्ष, और वर्तमान अभी उम्र है वर्तमान में 30 वर्ष, तो अभी पुत्र की आयु का 1/10 गुना है, 1/10 गुना है पिता का, तो कितना उसका उम्र होगा अभी वर्तमान में, अभी उसका 3 वर्ष पूर्व जब है तो कितना पूर्व का है 3 वर्ष, अब 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद होगा 8 वर्ष, कितना हो जाएगा 8 वर्ष। चलिए